मॉल से ही करूंगी, ये मैं तुम्हें बता दूँ। यार पास में दुकान है ना, वहाँ से दिलवा दूंगा तुम्हें। नहीं तुम्हें सारा का स्टैंडर्ड पता है ना, वो सारी शॉपिंग मॉल से ही करती है, इसलिए मैं भी मॉल ही जाऊँगी शॉपिंग करने। मैंने नहीं लेनी यहाँ से शॉपिंग। कौन है ये लड़का जिसके साथ ये फ्री हो रही है? और मुझे नखरे दिखा रही थी। आखिर कौन था वो लड़का? मेरे सामने तो बड़ी नेक परवीन बन रही थी, ये मिडिल क्लास लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। यकीनन मेरे सामने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रही थी, वरना मुझ जैसे हैंडसम और मालदार लड़के से कौन दोस्ती करना नहीं चाहता। मगर मेरे लिए भी अब तुम चैलेंज बन चुकी हो रोशना। यूसुफ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दादी बहुत अच्छी चल रही है। वाह, ये तो अच्छी बात है। आपके ये जो पोते हैं ना, काफी बड़े हो गए, मुझे नसीहतें करने लग गए। कैसी नसीहतें भाई? भाई कुछ दिन पहले असद के सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे कह रहा था अम्मा बाबा को ये नहीं देना, चावल नहीं देना, ठंडा पानी नहीं देना, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था दादी। हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात की इसने। ताईजान मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। तो मैंने कब कहा कि गलत कहा है, लेकिन जब खुद बीमार होगी ना, फिर ये सब बातें याद रखना, मुझे ना कहनी पड़े। हाँ याद रखूंगा। नानी जान, ये ले आपकी सौंफ। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। नानी जान, मैं सोच रही थी कि कल ना आपका ये शेल्फ साफ कर दूं, क्योंकि बहुत गर्द मिट्टी उड़ी है ना, तो किताबों पे गर्द आ गई है। जरूर बेटा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हेल्प कर दूं? बिल्कुल हेल्प कर सकते हो। जब मैं डस्टिंग कर लूँगी ना, तो आप मुझे बुक्स उठा के देना, फिर हम लोग सेट कर देंगे। ओके ओके। अच्छा मैं चाय बनाऊँ नानी? हाँ बिल्कुल, बहुत दिल जा रहा है चाय, अभी बना के लाऊँ। और बेटा शैलान नजर आ रही कहाँ है? दादी को शॉपिंग पे रुकी, कुछ सामान लेना था, तो कहीं पे मैं शॉपिंग करके वापस आऊँ। लो तुम भी लो, बहुत मजे की है।